हाई ब्रिवन स्वागत है आपके अपने सरकारी नौकरी में उनत्तर हज़ार शिक्षक भर्ती के संबंध में मैंने कल वीडियो डाला था आप स्क्रीन शॉट पर जो देख पा रहे हैं इस समय स्क्रीन पर तो इसी के संबंध में मैंने वीडियो डाला था अगर आप नहीं देख पाए हो तो इंडिया स्क्रीन में मैं दे दूंगा वीडियो के लास्ट में आपको दिखेगा आप उस पर टच करके देख सकते हैं तो मैंने ये बताया था कि एक विधायक जी हैं जो इटवा सिद्धार्थ नगर से हैं आप उनसे उनहत्तर हजार से संबंधित जितने प्रश्न हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर सुबह दस बजे से दो बजे के बीच में दोपहर के आप अपने प्रश्नों को कर सकते हैं तो मैंने ये बताया था कि आप जो भी प्रश्न होंगे आप लोग पूरी तरह से अपने जो भी आपकी समस्या होगी आप लिख करके इनको भेज दें कुछ अभ्यर्थियों ने पूछा भी था कुछ व्यूअर ने बताया कि साहब रीड नहीं कर रहे हैं तो एक मैं आपको बता दूं साहब रीड नहीं करते हैं उनके जो पी होते हैं वह पोलिंग के आधार पर प्रश्नों का चयन करते हैं कि मैक्सिमम संख्या में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं तो उसी के आधार पर उत्तर दिया जाता है संजोग से विधायक जो है आपके शिक्षा मंत्री भी हैं डॉक्टर सतीश द्विवेदी वैसे आप किसी भी विधायक से आप प्रश्न कर सकते हैं अगर वो मौका दे रहे हैं तो नहीं दे रहे हैं मौका ले भी सकते हैं जाके तो ऐसे में प्रश्न क्या किया अभ्यर्थियों ने और क्या उत्तर मिला आपको दिखाते हैं अभ्यर्थी ने प्रश्न किया था ये इटवा सिद्धार्थनगर के अभ्यर्थी हैं उनताजात शिक्षक भर्ती में सरकार सी सरकार की ओर से इतनी लचर पैरवी क्यों हो रही है ये बताइए पहले तो फिर सरकार की ओर से जो वकील नामित किए जा रहे हैं वो पहुँच क्यों नहीं रहे हैं क्या अधिकारी सरकार का आदेश का पालन नहीं करना चाहते हैं और सत्रह माह से जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं न्यायालयों का चक्कर काट रहे हैं लेकिन नियुक्ति नहीं मिल रही है ऐसा क्यों इस पर माननीय सतीश द्विवेदी ने क्या उत्तर दिया था कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है और तत्परता के साथ पैरवी भी कर रही है लेकिन सरकार भी चाहती है कि मामला शीघ्र ही निपट जाए लेकिन न्यायालय का मामला न्यायालय में मामला इस समय चल रहा है इसलिए बिना न्यायालय के फैसले आने के पहले हम आगे की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते जैसे ही फैसला आएगा तुरंत ही कार्रवाई इस पर तेज़ हो जाएगी तो फिलहाल आपके पास जो मौका कल का था वह अब भी नहीं गया है एक मौका और मिल गया है उनत्तर शिक्षक भर्ती का जो भी आपका प्रश्न है आपसे रिलेटेड जो भी आपकी समस्याएं हैं एक बार आप ज़रूर पूछें फिर क्योंकि जो आप प्रश्न नहीं कर पाए थे काफ़ी लोग वो लोग बिल्कुल न सोचे कि हम नहीं पूछ पाएंगे जब मौका नहीं मिलता है तो आप परेशान रहते हैं किससे पूछें किससे पूछें जब मौका मिल जाता है आप पीछे हट जाते हैं मैक्सिमम संख्या में तो मैक्सिमम संख्या में आप अपने प्रश्नों को करिए अचयनित अभ्यर्थी या किसी भी समस्या से जुड़ रहे अभ्यर्थी अपने प्रश्नों को रखिए क्योंकि प्रश्नों को रखेंगे तो जवाब देने वाला जिम्मेदारी से उसका जवाब देगा ऐसा कुछ जवाब नहीं देगा जिसमें वह बाद में फंस जाए फिलहाल एक मौका और मिल गया है वो मौका कहाँ है मैं आपको दिखाता हूँ तो हम तो पूछेंगे एक और विधायक जी हैं प्रेम सागर पटेल यह विधायक सिसवा से हैं सिसवा महाराजगंज जिले में पड़ता है उत्तर प्रदेश के काफ़ी लोग जानते भी होंगे इनको तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए और वही टाइमिंग है सेम वही वाला सुबह दस बजे से दोपहर दो, दो बजे तक मैक्सिमम संख्या पे आप किसी को मौका मत दीजिए मैंने कल ही बताया था उनहत्तर हज़ार शिक्षक भर्ती का ही टोटल मामला हो इतना भर दीजिए व्हाट्सएप को जब मैक्सिमम संख्या में आपके प्रश्न होंगे तो पोलिंग के आधार पर देखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा प्रश्न उनहत्तर हज़ार से आए हैं तो उनहत्तर हज़ार में मैक्सिमम संख्या में जो उन प्रश्न होंगे जो भी उससे रिलेट करके और उनका एक पोलिंग किया जाएगा कि मैक्सिमम प्रश्न इस टॉपिक से आए हुए हैं कि यह समस्या सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों को है तो उसी को प्रश्न बना करके उसका उत्तर दिया जाएगा क्योंकि सबका उत्तर दे पाना संभव नहीं है आप भी जानते होंगे तो ऐसे में आप अपने प्रश्न जो भी आपके पास हैं आप उसको नोट कर लें और उसको व्हाट्सअप जरूर करें आप चाहे जितने भी प्रश्न कर सकते हैं एक से लेकर पाँच दस सबको वन टू तो, थ्री टॉपिक वाइज बना करके आप अपने प्रश्न हिंदी में भी लिख सकते हैं इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश के हिंदी मैनर में भी लिख सकते हैं तो आप अपने अपने प्रश्नों को जरूर करिए पीछे नहीं हटिए एक बार जब मौका जब जब मिले आप पीछे मत हटिए करना ही क्या है व्हाट्सअप करना है और जो भी मर्यादित भाषा का अगर आप प्रयोग करके कोई भी प्रश्न करेंगे तो आपके प्रश्नों का साथ साथ उत्तर दिया जाएगा और किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा अब बिल्कुल कुछ लोग घबरा भी जाते हैं तो ऐसे में आप प्रश्न ज़रूर करें फिलहाल आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद